शिक्षा, खेल, न्यायिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बेटियां अब हमीरपुर सूबे की पोस्टर गर्ल बनेंगी। उनके फोटो वाले पोस्टर अब प्रदेश के मुख्य स्थलों पर लगाए जाएंगे। इसमें बेटियों की उपलब्धि का व्याख्यान होगा। बताया जाएगा कि किन हालातों में बेटियों ने देश दुनिया में मुकाम हासिल किया है। ये पहल हमीरपुर जिला प्रशासन बहुत ही जल्द शुरू करने जा रहा है और इसके लिए बाकायदा प्लान तैयार करके बेटियों के नामों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जिला प्रशासन हमीरपुर का मकसद समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक भावना पैदा करना है, जागरूकता फैलाना और बेटियों को प्रेरणा देना है। ऊना के बाद अब हमीरपुर जिला प्रशासन भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिले की बस अड्डों, शिक्षण संस्थानों और धार्मिक और पर्यटन स्थानों में बेटियों की उपलब्धि की पोस्टर लगाने जा रहा है, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों और जिला के लोगों की सहायता ली जाएगी। हमीरपुर जिला प्रशासन ने लोगों से उनके क्षेत्र में मौजूद ऐसी बेटियों का डाटा देने की अपील की है। इस योजना को अब पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा का कहना है कि जिला प्रशासन ने विचार विमर्श करने के बाद जिला भर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर बेटियों की उपलब्धि के पोस्टर लगाने का निर्णय लिया है। इससे लोगों में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा होगी। इसके लिए कई विभागों, पंचायतों और लोगों ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली बेटियों की जानकारी देने की अपील की गई है। इसमें हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिला प्रशासन कुछ कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जैसे कि उसमें एक ये भी शामिल है, जिन बच्चियों ने, जिन बेटियों ने हमारे जिला का नाम रोशन किया है, कुछ अच्छा काम किया है ताकि वो आगे समाज के लिए रोल मॉडल साबित हों, तो हम उनके नाम की होर्डिंग्स बनवाएंगे जिसमें उनके पिक्चर्स होंगी ताकि दूसरी हमारी बच्चियां और लोग भी उनको देखकर प्रेरणा पाएं। और साथ ही हमने जिला प्रशासन की ओर से एक और कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें जो भी हमारी मैट्रिकुलेट बच्चियां हैं जिन्होंने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग उनकी कर रहे हैं। इसका एक राउंड हम कर चुके हैं जिसमें हमने 58 बच्चियों को सम्मानित किया है और साथ ही उनकी फ्री में करियर काउंसलिंग भी करवाई है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि 10th के बाद क्या लें, क्या पढ़ें, फिर धीरे धीरे किसी तरह वो 12वीं तो कर जाते हैं और उसके बाद मैक्सिमम हमारी बच्चियां ड्रॉप आउट कर जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए हम ये एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके हम आगे और भी सेशंस अलग अलग ब्लॉक्स में करेंगे। वहीं छात्रा सोनम और मंजू का कहना है कि बेटियों के सम्मान के लिए जिला प्रशासन की पहल काबिले तारीफ है और इसके लिए कदम उठाए जाने से बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। जिला प्रशासन द्वारा की गई ये शुरुआत बहुत अच्छी है, इससे लड़कियों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया है, उससे लड़कियों का मतलब जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाएंगे, जो भी उसमें जो स्किल्स हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा और इस चीज़ से मतलब उसको मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। जो भी उसमें टैलेंट होता है उसको वो बाहर दिखाते हैं और अच्छे जो गतिविधियाँ होती हैं वो उनमें आगे पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और जो जिला प्रशासन द्वारा ये शुरुआत की गई ये बहुत अच्छी है, इससे लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी। के द्वारा उठाए गए इस कदम से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर जिला प्रशासन द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है, इससे बेटियों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान जो चला हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जा रहा है, इसमें भी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इससे क्या होगा, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा गर्ल्स में, वो किसी भी कॉम्पिटिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने इलाके का नाम रोशन करेंगी। वहीं अभिभावक सुशील शर्मा का कहना है कि जिला प्रशासन हमीरपुर द्वारा पोस्टर लगाने की बात सराहनीय है और बेटियां आज हर क्षेत्र में अव्वल हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन की पहल बहुत ही बढ़िया रहेगी। प्रशासन द्वारा जो इस प्रकार से बेटियों को प्रोत्साहन करने के लिए इस तरह से उनके जो पोस्टर लगाने के बारे में एक अभियान छेड़ने का निर्णय लिया गया है, ये काबिले तारीफ है। मैं समझता हूँ कि बेटियों को जो सिंगल चाइल्ड हैं या जिनके बेटियां हैं उनको भी इस बात से प्रोत्साहन मिलेगा, और क्योंकि बेटियां अब हर फील्ड में जो है अपना नाम कमा रही हैं और हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों। इस बार भी जो नीट की परीक्षा हुई उसमें भी
बेटियों ने बाजी मारी है, हर जगह बोर्ड की परीक्षाओं में भी बेटियां जो है बाजी मार रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो जिला प्रशासन द्वारा कदम उठाया जा रहा है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है, और इससे और लोगों को भी जो है प्रोत्साहन मिलेगा। और कई बार ऐसा जैसे कि सामाजिक कुरीतियां होती हैं, गर्भ में बेटियों को मार देना या भ्रूण हत्या जैसे कलंक जो हमारे समाज पे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो इस तरह की जो कुरीतियां हैं उनको लगाम लगाने में भी इससे काफी जो है प्रोत्साहन मिलेगा। अभिभावकों का कहना है कि इस कार्य में लड़कियों में उत्साह का संचार होगा और समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगी। उन्होंने कहा कि समाज में नकारात्मक सोच खत्म करने के लिए प्रशासन की ये बहुत ही अच्छी पहल है। यह जिला प्रशासन द्वारा एक बहुत अच्छी पहल है। इससे लड़कियों की सोच में और ये लड़कियों के पेरेंट्स हैं इनकी सोच में काफ़ी बदलाव आएगा। लड़कियों में एक तरह का उत्साह का संचार होगा, वो समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगी, और समाज भी लड़कियों को जो नकारात्मक सोच समाज में लड़कियों के प्रति बनी रहती है कि लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं हैं, इस सोच को भी बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा लड़कियों के पोस्टर लगाना, उन्हें प्रोत्साहित करना एक बहुत अच्छी पहल है। गौरतलब है कि हिमाचल में बेटियों और महिलाएं सुरक्षा के लिए गुड़िया हेल्पलाइन महिला हेल्पलाइन के अतिरिक्त 181 और 100 नंबर पर डायल कर सकती हैं। प्रदेश में 13 महिला पुलिस थाना स्थापित किए गए हैं, कुछ और खोलने की तैयारी है। वहीं राज्य महिला आयोग ने शक्ति ऐप शुरू किया है। तुरंत मदद के लिए ऐप में लाल बटन का शक्ति बटन दबाते ही लड़की का नाम, मोबाइल नंबर और उसकी लोकेशन के आधार पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से मदद पहुंच पाएगी।